गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत करती हूँ आसाम फूड फॉरेस्ट में। और मैं हूँ राहिल, आपकी दोस्त, और मैं आपको बताऊँगी कुछ प्लांट्स के बारे में हर रोज़। और ये आज जिस प्लांट के बारे में मैं बताने जा रही हूँ वो सबकी फेवरेट है, हमारी स्ट्रॉबेरी। तो ये स्ट्रॉबेरी उगाना बहुत आसान है दोस्तों। आप इसकी पौध किसी भी नर्सरी से ले सकते हैं या फिर आप सीड से भी तैयार कर सकते हैं। सीड से तैयार करने पर ये बहुत वक्त लेता है फ्रूटिंग पे आने के लिए, लेकिन हम अगर पौध ले लें नर्सरी से तो ये अवेलेबल होता है जनवरी से, जनवरी फरवरी मार्च तक भी शायद अवेलेबल है। पर मैंने ये पौध फरवरी में ही ली थी, फरवरी की शुरुआत में ही ली थी, क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने उगाई थी तो मैं इसके बारे में कुछ चीज़ें जानती हूँ। ये प्लांट बहुत वाटर लविंग है, लेकिन ये इसकी सॉइल जो है वो आपको वेल ड्रेन बनानी पड़ती है। तो मैंने इसमें दिया है 40% कोकोपीट, 30% गार्डन सॉइल और बाकी गोबर की खाद। तो मैंने इस पर एक्स्ट्रा कुछ भी केमिकल खाद नहीं दिया है या पेस्टिसाइड नहीं दिया है, क्योंकि ये घर के लिए है और बच्चे भी खाते हैं इसको बड़े चाव से। और इसकी पॉट अगर आप इससे थोड़ी बड़ी लें, अगर आप 10 इंच की पॉट लें तो ये बेटर यील्ड देता है। जितनी छोटी पॉट होगी इसकी ग्रोथ कम होगी, लेकिन इसके रूट्स ज़्यादा डीप जाते नहीं हैं, तो इतना डीप पॉट नहीं मत लीजिएगा, लेकिन चौड़ा पॉट लीजिएगा। लोग इसे हैंगिंग बास्केट में भी लगाते हैं, आप ऐसे किसी छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं अगर आपके पास जगह नहीं है, फिर क्रेट्स पे लगा सकते हैं, लंबे पॉट्स पे लगा सकते हैं जिसमें 2-3 पौधे एक साथ लगा सके, लेकिन ओवर क्राउडेड मत कीजिएगा। इसमें फल बहुत जल्दी आ जाते हैं दोस्तों, इसलिए ये प्लांट बहुत अच्छा है घर में ग्रो करने के लिए। और ऑर्गेनिकली ग्रो करने का फूड का आनंद ही कुछ और होता है, आप घर में इसको आसानी से खा सकते हैं तोड़ के और फ्रेश एकदम, क्योंकि मार्केट के चीज़ों में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में और एंजॉय कीजिएगा, इसको ग्रो करना बहुत आसान है। तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपने ये ग्रो किया है कि नहीं। थैंक यू।